Good Modikar, morning to all. I am audible, sir. Yes. Thank you. Good Modikar, morning to all. आप सबको आज स्वागत है. जैसा कि आज गुरुवार है और आज हम एक लीडर्स डिस्कशन करते हैं, राइट? तो ये मीटिंग बहुत ही हिट है और ये मीटिंग ऑल ओवर इंडिया में जब भी सर शेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा फैल जाता है, राइट? लाखों लोग आज इसको वेट कर रहे हैं और आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. और खासकर आज जो इस लीडर से हम सुनेंगे, जो डिस्कशन आज होगा और जो बारीकियां, जो सीक्रेट्स आज हम जानेंगे कि किस तरह से मोदी केयर बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम आप बहुत सक्सेसफुली और बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, राइट? तो मैं आपका होस्ट आज आपको सबको वेलकम करता हूँ. मायसेल्फ विनोद बारिक. मैं एक्चुअली उड़ीसा का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को 2015 जून में मैंने स्टार्ट किया था. और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे 25,000 से 30,000 की इनकम की टारगेट लेकर इस बिजनेस को मैं जुड़ा था. और आज अगर मैं बोलूं, आज ये बिजनेस हर साल लगभग, अगर लास्ट ईयर की बात बोलूं तो लास्ट ईयर ये बिजनेस मुझे 41 लाख रुपीज से ज्यादा ये बिजनेस मुझे पेड किया है, राइट? तो ये हो सकता है, इस बिजनेस में और भी बहुत ज्यादा हो सकता है, मगर आज हम ऐसे कुछ सक्सेस सुनेंगे जो कि महीने 10 लाख 20 लाख, उनके टीम में लाखों ऐसे, हजारों ऐसे लीडर हैं जो कि महीने में 10 लाख 5 लाख 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं. तो ये सीक्रेट आज हम जानेंगे, राइट? तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज जिन लोगों का जन्मदिन है, मैं उन सब लोगों को हमारे टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा और आपको जन्मदिन की बेहद बेहद शुभेच्छा. और आगे बढ़ूं, और जिन लोगों का आज एनिवर्सरी है, आज आप लोगों के लिए कुछ खास दिन है, तो आप लोग सब लोगों को हमारे तरफ से बेहद बेहद हार्दिक बधाई, राइट? और उन सारे अचीवर्स को भी हम बधाई देंगे जिन अचीवर्स ने कुछ अचीवमेंट लिया लास्ट वीक्स में, कुछ डेवलपमेंट किया लास्ट वीक में, कोई नया प्यून रिकॉग्नाइज अपना हुआ. तो थैंक यू ऑल टू ऑल, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू अचीवर्स. तो आइए चलते हैं, आज इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं और इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं उस शख्सियत से. उस शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा जिस शख्सियत के माध्यम से आज लाखों लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर चुके हैं. मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट का बात बोला कि मैं 25,000 के लिए आया था और लगभग लगभग महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा हूं. तो जिन शख्सियत के कारण मैं कमा रहा हूं, उन शख्सियत को बुलाने का आज मुझे एक बेहतरीन मौका मिला. तो वो और कोई नहीं है, आप सब लोग उनको पहचानते हैं ऑल ओवर इंडिया में, राइट? महागुरु के नाम से वो परिचित है. और बिलॉफ्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ आप सबके स्क्रीन के सामने. तो सर प्लीज ऑन स्क्रीन. ओके, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन. दोस्तों, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड, मैं आप सबका स्वागत करता हूं. आज मेरे लिए बहुत खुशी के दिन है. 3 बजे है. नंबर 1 वजह यह है कि हर गुरुवार का दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया नया कहानी मिलता है सुनने के लिए, कुछ कुछ नया चीज सीखने के लिए मिलता है. और नंबर 2, मैं आज ऐसे एक इंसान के बारे में बात करूंगा. जब 18-19 साल पहले उड़ीसा में बिजनेस डाउन जा रहा था, मैंने तो सुना कि कर्नाटक में, बेंगलोर में ऐसे कुछ लीडर्स है, उनके नाम बोलने से ही काफ़ी है, और उन लोग के जरिए में काफ़ी करोड़ का बिजनेस होता था कर्नाटक में. वो मैं पहले सब में मुझे खुशी है बात बताने के लिए, उनका नाम लेने मुझे खुशी लगता है. नीना जी, फिलिप जी, राजू जी, विजय जी एंड चंद्र जी. उसके बाद दोस्तों मैं उनका बारे में जाना, उनका बारे में सुना. और मैंने क्या किया ना, मैंने ओडिशा से, भुवनेश्वर से मैंने गया था सीखने के लिए कि वो किस तरीके से बिजनेस बढ़ा रहे. तब जाकर पता चला कि उन्होंने एक मनी क्लास कराते हैं, सुबह उठ के लोगों को इकट्ठा कराते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं. दोस्तों वो भी आके मैं शुरू किया. मैं ऐसे मान के चलो, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं गया था उस दिन जिनसे सीखने के लिए. उनसे सीखने के बाद वो इम्प्लीमेंट, वो फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट करने के बाद बिजनेस तो बहुत उठा. और दोस्तों आज मैं तीसरी चीज इसलिए खुशी है कि कर्नाटक का जो स्टेट है ना दोस्तों, हर समय नंबर 1 में रहता है, कभी कभी नंबर 2, मगर आज का तारीख में पूरी हिंदुस्तान में अगर कोई नंबर 1 स्टेट है तो ये मैं बोलता हूँ कि कर्नाटक है. उनके पीछे तो बहुत से लीडर के हाथ है. और सबसे बड़ी आहत होता है कि जो इंसान का, जिसको मैं छोटा भाई करके मानता हूँ, जिसके मैं एक दिन सीखने के लिए गया था दोस्तों, ही इज नन अदर देन आवर ग्रेट लीडर, ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट मोटिवेटर. सो ही इज मिस्टर राजू डिजिट जी. आज मुझे खुशी है, सच में खुशी बहुत है कि राजू डिजी को आपको सुनने के लिए मिलेगा और कर्नाटक की कैसे बिजनेस ग्रोथ होता है, हर तकलीफ के बावजूद कैसे उन्होंने बिजनेस बढ़ा देते हैं,
और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनके ग्रुप से लोगों ने कमाते हैं 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तो ये वहां 5 लाख, 3 लाख तो कमन ही है, कमन ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जोरदार ताली के साथ वेलकम कीजिए और बिलाफॉर्ड रेस्पेक्टेड लीडर स्मार्ट मेंबर मिस्टर राजू डिजे जी। राजू जी, अभी स्क्रीन आपकी है। राजू जी, राजू जी, अनम्यूट कराए, अनम्यूट कराए, अनम्यूट हो जाए राजू, अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट, अनम्यूट कराइए। या डन। हाय राजू जी, हाय राजू, नमस्ते। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आप आपका मुंह से इतना बढ़िया शब्द, इतना रिगार्ड्स, इतना प्यार मिलना मेरे लिए तो मैं काफी बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं यही से आपका मैं पाँव छूता हूँ, आपका आशीर्वाद लेते हुए, और अपना महागुरु मेंटर डॉक्टर फिलिप सर, नीना मैडम, सुरेखा मैडम, समीर सर, इन सबका, गुरुजन का, मेंटर लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आपके साथ मैं मेरा टॉक शो शुरू करने के लिए काफी बड़ा उत्सुक हूँ। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू राजू जी, बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकल के आए इतना बिजी शेड्यूल में। अभी हर लीडर बिजी है नया प्लान लोगों को सिखाने के लिए, तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स कि आप टाइम निकल के आए, कंसेंट दिया आप थोड़ा यहाँ मीटिंग करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये है आपके लिए कि आप थोड़ा लोगों को ये बताइए, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ आपके बारे में, थोड़ा आप ये लोगों को बताएगी आपके बैकग्राउंड क्या था मोदी के आने से पहले, उसे आपका लाइफ स्टाइल क्या था, बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल भैया, मेरे को राजू करके आप बुला लीजिए, राजू जी मत बुलाइए प्लीज मेरे को शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं नहीं, यू डिजर्व लॉट ऑफ, यू डिजर्व लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। नहीं, तो आपकी वजह से जो इतना लोगों ने कमाते 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक राजू जी, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। फिर भी आप, आपके बारे में आपका मोदी कर को आने से पहले आपकी जिंदगी कैसे था? मैं आपका छोटा भाई हूँ भैया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रेस्पेक्ट, एंड सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों, और नमन करता हूँ आपका स्पेशल कमिटमेंट के लिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ प्रमोद भैया, मेरा बैकग्राउंड ये रहा कर्नाटका का, मिडल पार्ट ऑफ कर्नाटका, डावणगेरे डिस्ट्रिक्ट, होन्नाली तालुका, बेनकनहल्ली करके एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ, एक मामूली किसान का बेटा। तो दो भाई मेरा परिवार में, एक बहन, और मेरा पिताजी और माँ बाप और मेरा बड़े भाई और सिस्टर का ज्यादा बैकग्राउंड, मतलब एजुकेशन नहीं था, मतलब संपत्ति नहीं होता था, गरीब परिवार हम बोल सकते हैं। तो मैं छोटा सा इसमें एजुकेशन किया, सरकारी शाला में मेरा एजुकेशन हुआ, और गांव में मेरा पढ़ाई हुआ। एमबीए खत्म करके मैं बेंगलुरु आया, तो मैं एमएनसी में काम कर रहा था। उसके बाद मैं बड़ा ख्वाब रखा और आईएएस का एग्जाम लिया, लोकल एग्जाम होता है केएस, वो एग्जाम लिया, वो पास नहीं कर पाया, बहुत बड़ा पैसा दिया, तो फिर भी मैं काफी बड़ा मेहनत किया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरा परिस्थिति बहुत विकोप, मतलब ये था एकदम बेकार था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था बिफोर मोदी केयर। ये रहा मेरा बैकग्राउंड भैया। ओके थैंक यू राजीव जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोदी केयर के बारे में आपको कौन बताया, कोई आपका दोस्त है, भाई है, रिलेशनशिप है, या वो कौन बताया आपके बिजनेस के बारे में? एक अनजाना आदमी उस टाइम पे, मगर आजकल तो वो मेरा गॉड मदर है। एक स्ट्रेंजर अप्रोच रहा, मैं एक छोटा सा स्कीम चला रहा था, एक पिरामिड स्कीम जैसा 23 साल पहले, तो उस टाइम पे मेरे को क्लाइंट चाहिए करके एडमैग एक एडवर्टाइजमेंट में एक एड छोड़ा था। उस एड को मेरा भगवान गॉड मदर नीना मैडम ने देख के मेरे को कॉल करके यू बोली कि आपका बिजनेस क्या है, मैं देखना चाहती हूँ। मैं मतलब ये कुछ भी जानकारी नहीं था कि मैडम मेरे को मोदी केयर जैसा बढ़िया मौका दे देंगी करके। मैंने तो सोचा अच्छा लेडी मेरे साथ बात कर रही है, मुलाकात करूंगा और कुछ मैं मौका दे दूंगा, ऐसा सोच के गया था। मगर मैडम ने मेरे को, मतलब मेरे को तो मौका ही नहीं दिया, और मौका मैं भी नहीं लिया एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा बिजनेस तो पूरा बंद करके, मेरा पेटी जो लेके गया था उसको बंद करके रख दिया। मोदी केयर का प्रोडक्ट, मोदी केयर का स्टाइल, मोदी केयर का एलिगेंस, और कपल नीना मैडम फिलिप सर, उनका जो प्रोफेशनलिज्म, वो सबको देखते हुए मेरा जो छोटा सा स्कीम जैसा चलाता था उसको मैं बंद करके सुन लिया। उन्होंने यूं बताया कि आपका बहुत बड़ा जो है, मतलब लोन वगैरह वो आप चुका सकते हो, देश में बहुत बड़ा रोजगार का समस्या को आप समाधान दे सकते हो, और बड़ा लीडर बन सकते हो, नाम कमा सकते हो, ऐसा कुछ बोली मैडम ने, फिलिप सर ने। ट्रेनिंग अटेंड कराया, डेमो देखा, तब मैंने फैसला कर दिया भैया। ओके थैंक यू राजू जी। अच्छा सुनिए,
ये तो फिलिप जी या डॉक्टर फिलिप जी नीना मैडम तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पूरी हिंदुस्तान जानते हैं, फिर भी कुछ नया व्यूअर्स से उनको थोड़ा उनका बारे में बताए कि दो लाइन बताए सर नीना मैडम के बारे में, फिलिप जी के बारे में। मैं कितना भी बोलूं वो कम हो जाएगा, पूरा सिर्फ मोदी केयर में नहीं ऑल ओवर इंडिया एमएलएम में इतना बड़ा चमत्कार करके इतिहास रच लिए है ये कपल, एलिगेंट कपल, हाईली क्वालिफाइड है और हमारा केयर टेकर है। इंडिया में सबसे तेजी से चल रहा है उनका बिजनेस और मोदी केयर में बहुत बड़ा हिस्सा है उनका। उनका नीचे लाखों में करोड़ों में कमाई करने वाले तो सैकड़ों हजारों है, तो बड़े दिल वाले हैं और हमारा केयर टेकर है, आधार स्तंभ है मोदी केयर का बहुत बड़ा। जैसे हमारा प्रमोद भैया बड़ा आधार स्तंभ है, ऐसे ही हमारा फिलिप सर, नीना मैडम ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, बहुत लंबा है इंट्रोडक्शन। ओके अच्छा ये मुझे बताएं कि एक्चुअली एग्जैक्टली नीना मैडम आपको क्या बताएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं ना, बिजनेस के बारे में बताएं ना, और क्या बताएं, कैसे शुरू किया आपके साथ बात? भैया अभी भी याद है कि बिजनेस का ताकत क्या है। उस टाइम पे प्रोडक्ट बहुत कम होते थे, 8-10 प्रोडक्ट होते थे। प्रोडक्ट का क्या ताकत है डेमो करके दिखाए और क्या फ्यूचर है, मतलब पार्ट टाइम फ्री टाइम में इस बिजनेस में कहां तक हम पहुंच सकते हैं, हजारों लाखों लोगों का जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और हजारों लाखों लोगों का सपने साकार करने में हम मदद कर सकते हैं, हम माध्यम बन सकते हैं और इंडिया का बड़ा फ्यूचर है, यही फ्यूचर होने वाला है। तो इसके सामने मतलब कोई भी नौकरी बिजनेस आप करते हो, पार्ट टाइम करने का बिजनेस है, ऐसा वो मेरे को क्लू दिया तो एकदम अच्छा लगा मेरे को, शुरू हो गया भैया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आपको आपका जिंदगी क्या ऐसी तकलीफ था जिस तकलीफ की वजह से आप तकलीफ से निकलना चाहते थे, और एग्जैक्टली वो चीज क्या है, क्यों आप डिसाइड किए कि मोदी कर में काम करने के लिए, क्या प्रॉब्लम था आपकी जिंदगी में एक्चुअली? हाँ भैया, तो मैं एक्चुअली बताया शुरुआत में कि मैं MBA करके मैं नौकरी कर रहा था। उस टाइम पे मैं बड़ा सोच रखा था कि मैं कुछ ऑफिसर बनूंगा करके। मैं IAS का एग्जाम लिया, 3 साल मेहनत किया, उसके बाद 3 साल मेहनत करने के बाद नौकरी का तलाश में था। उस टाइम पे बड़ा पैसा रिश्वत दिया, वो पैसा निकल गया, तो लोकल एग्जाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का। उस टाइम पे मतलब इतना बड़ा लोन में फंस गए थे, बहुत बड़ा उधार लिया था, इतना टेंशन में फंस गए थे उस टाइम पे, मतलब तो नौकरी छोड़ दिया था मैंने। और बहुत बड़ा ख्वाब रखा था हमारा घर में सबका, मतलब मेरा बड़े भाई और बड़े बहन और माँ बाप, उनका परिस्थिति बहुत नीचे स्तर पर था, कुछ इज्जत नहीं होता था हमारा परिवार को, बहुत बड़ा उदार था हमारा परिवार को। मैं अकेला एक रनिंग आर्स था, मेरा छोटा भाई विजय डी जी, हमारे ऊपर बहुत बड़ा सपने थे परिवार का और समाज का। तो मेरा भी मतलब उस टाइम पे एग्जाम फेल हो गया था, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, पैसा भी नुकसान हो गया था, इट वाज लाइक लिटरली आई वाज इन फुटपाथ। तो इतना बहुत बुरा हालत था भैया, मेरे को नौकरी या सेटल होना था और इतना सारा जो लोन था उसको चुकाने के लिए मेरे को मौका चाहिए था भैया, ये रहा परिस्थिति। अच्छा देखिए, हम सब तो जानते हैं कि आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ, कुछ लोग भी जानते हैं कि मोदी कर में जिन्होंने काम करते हैं वहां पैसा भी मिलता है, काफी पैसा भी मिलता है, फॉरेंट्री मिलता है, कार मिलता है, मकान मिलता है, पैसिव इनकम मिलता है, काफी रिकग्निशन मिलता है। अगर मैं आपको सवाल पूछूं, इनमें से आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन किया था? मेरे को पैसिव इनकम बहुत अच्छा लगा और लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और यहाँ पे सेवा कर सकते हैं समाज का और तो लीडरशिप को कड़ा कर सकते हैं और हजारों लाखों लोगों का समस्या को हम सोल्यूशन बन सकते हैं। ओके फ्यूचर बहुत अच्छा लगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस है, ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया। ओके अच्छा मुझे और एक बात बताइए कि देखिए यहाँ तो शुरुआत में तो स्ट्रगल करना सबको ही पड़ता है नेटवर्क मार्केट बिल्ड करने के लिए जी, मगर हर चैलेंज के बावजूद भी आज मेरा जो बिजनेस, मतलब ओडिशा के जो बिजनेस है उससे भी आप डबल से ज्यादा बिजनेस कर लेते हो, क्या एग्जैक्टली वो चीज क्या है कि कैसे करते हो आप? अब तो चैलेंज तो कुछ तो आया होगा आपको, जो चैलेंज आया होगा आपका चैलेंज वो कैसे ओवरकम करते हो? बहुत सारा चैलेंजेस थे भैया उस टाइम पे। लोग तो आजकल का न्यू जनरेशन लोग आजकल का जो समस्या को देख के नेगेटिव हो सकते हैं थोड़ा, मतलब उनका उनका जो हिम्मत हार देते हैं कई लोग, मगर उस टाइम पे इतना बुरा हालत था। उस टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल फोन नहीं होता था,
प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होता था और कानून नहीं था गवर्नमेंट के थ्रू, इतना okay. सारा स्कीम्स का अटैक होता था, कंपटीशन इतना होता था हमको, मतलब खरीदी करने के लिए लोग ये करते थे, जबरदस्ती करते थे और तो इतना ऑफर देते थे और नीचे लोगों को, हम तो बहुत मजबूत थे, हम तो अड़े रहे डटे रहे मगर हमारा डाउनलाइन को खींच के लेके जाते थे, उसको ऑफर देते थे, उसको खरीदी करते थे, तो बहुत सारे लोगों को हमने बचा के रखा। फिर भी लोगों ने, तो उस टाइम पे मोदी केयर का प्लान में ज्यादा पैसा नहीं होता था, तो ये सब प्रॉब्लम होने से तो हमने टीम को कड़ा करते थे। उस टाइम पे रिटेंशन बहुत ही बड़ा चैलेंज था, लोग पूछते थे दिखाओ किसको 10,000 रुपया इनकम आ रहा है, किसने मोटरसाइकिल खरीदी किया है, कार तो छोड़ो बेंज बीएमडब्ल्यू तो छोड़ो, एक मारुति 800 खरीदी करते हुए कोई लीडर को दिखा नहीं सकते थे, 20,000 का चेक दिखाना बहुत मुश्किल होता था, मात्र सुरेखा मैडम उस टाइम पे बेंगलुरु में रहती थी, सुरेखा मैडम का चेक अच्छा था, मतलब 2 लाख ऐसा कुछ था महीने का या अराउंड 1.5 लाख से ज्यादा था, नंबर वन अर्नर। उसके अलावा कर्नाटक में पूछते थे यहाँ पे दिखाओ मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था, लोगों को हम स्पॉन्सरिंग करते थे, मीटिंग तक लेके आते थे, छोड़ के चले जाते थे। उस टाइम पे 900 रुपया रिन्यूअल फी था, आपको भी याद है प्रमोद भैया, 900 रुपया एक साल का, मतलब पूरा साल में उतना पैसा नहीं आता था, रिन्यूअल फी देना पड़ता था, वहां पे सब लोगों का हवा निकल जाता था, 900 रुपया देना पड़ता था, नहीं तो एमसीए नंबर पूरा क्लोज बंद हो जाता था। वहां पे हजारों लोग डेड हो गए, तो ये सब होने से मतलब दूर दूर चले जाते थे मीटिंग करने के लिए, डेमो करने के लिए, इतना नेगेटिव हो जाते थे लोग, प्रोडक्ट नहीं है, इनकम नहीं आ रहा है और कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और इंग्लिश हिंदी में होता था, हमारा लोग तो लोकल भाषा कन्नड़ा जानते थे, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था और हमारा कर्जा बढ़ रहा था, तो वो सब बैलेंस करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो कैसे आप वो जो चाहिए, जो ओवरकम चैलेंज जो था उसको कैसे आप ओवरकम कर रहे थे? हाँ भैया, उस टाइम पे बड़ा विश्वास ये रखा कि ये जो समस्या है ये टेम्पररी है, ओके, इसके हम ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर नहीं देंगे, हम ध्यान सोल्यूशन के ऊपर देंगे, हम ध्यान पॉसिबिलिटी को देखेंगे, क्योंकि बेइज्जती हो रहा था, इंसल्ट हो रहा था, नेगेटिव कर रहे थे लोग, ओके, बहुत अपमान हो रहा था, मगर विजन में यू बोला गया था, हमारा अपलाइन लीडर और समीर सर यू दिखाते थे, विजन बहुत बड़ा दिखाते थे, हमने यू सोचा जो नेगेटिव होता है, इंसल्ट होता है, टेम्पररी है, नेगेटिव 4-5 लोगों के सामने होता है, 10 लोगों के सामने होता है, मगर फ्यूचर में जो सक्सेस मिलेगा ना, हजारों लोगों के सामने सक्सेस मिलेगा। तो अभी कैसे माइंडसेट करते, वो सब चीज सोचने के लिए कैसे माइंडसेट करते थे आप? अगर यहाँ पे छोड़ के नौकरी करने के लिए जाऊंगा या कोई कन्वेंशनल बिजनेस करूंगा, उधर भी प्रॉब्लम भरपूर मिलेगा, प्रॉब्लम तो हर जगह पे रहेगा, मगर मैंने यू सोचा अगर छोटा मोटा नौकरी करूंगा तो वहां पे सिर्फ पेट का सवाल है, लाइवलीहुड का सवाल है, सिर्फ मेरा परिवार का इनकम अच्छा रहेगा। मगर मोदी केयर में यू सोचा, अगर लड़ाई किया मोदी केयर में, संघर्ष किया, सिस्टम को कड़ा किया, सक्सेस मैंने पाया, टीम को दिलाया, उसको देख के हजारों लोग आएंगे, तब मैंने यू सोचा अगर मोदी केयर को छोड़ के चला गया तो मेरा नौकरी में, पर्सनल नौकरी में एमबीए है करके मेरा खुद का जिंदगी अच्छा हो सकता है, मगर मोदी केयर में अच्छा बिजनेस करने से, मोदी केयर में सक्सेस दिलाने से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो जाएगा, ये माइंडसेट रहा भैया, इसलिए मेरे को बहुत बड़ा ताकत मिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे देखिए राजू जी, जैसे आज टॉपिक है सीक्रेट ऑफ कर्नाटका बिजनेस ग्रोथ, कर्नाटक में इतना बड़ा बिजनेस ग्रोथ कैसे हुआ, अच्छा उसके बारे में बताइए, पर मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा डिटेल में बताए कि ताकि हमारा लोग भी सीख सके, ऑल व्यूअर्स को पता चले कि कैसे आप इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी करते हो, कितने कैसे कितना माने इतना बिजनेस बढ़ जाता है, उसका बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। वही आज का टॉपिक है आपका, थोड़ा आराम से बताए कि ताकि सीख, थोड़ा डिटेल्स में बताए कि ताकि बाकी लोग भी समझ सके, सुन सके प्लीज। बहुत लंबा सवाल है भैया, टाइम भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, विद योर परमिशन। यस सर, यू कैन टेक योर टाइम। या एक्चुअली ये मात्र 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का सफर नहीं है, 20 साल 22 साल 23 साल का सफर है, वही से फाउंडेशन शुरू हो गया था। हम हमेशा रिलेशनशिप को बिल्ड करने में विश्वास रखा, वी बिल्ड पीपल
वी बिल्ड रिलेशनशिप, वी डोंट बिल्ड बिजनेस, पीपल बिल्ड द बिजनेस, इसके ऊपर हम विश्वास रखा। आप भी जानते हो 10 साल पहले पुराना प्लान होता था सनफ्लावर प्लान, वहां पे पैसा तो नहीं होता था मगर हमने रिलेशनशिप को बिल्ड किया अच्छी तरह से। ओके, हमारा टीम वर्क बहुत मजबूत रहा तो लोगों के साथ हमेशा एजुकेशन को बिल्ड किया। शुरुआत में एक मतलब सक्सेस नहीं था, पूरा नीचे फंस गए थे हम लोग उस टाइम पे। अपना फिलिप सर, डॉक्टर फिलिप सर हमको यूं बताया, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको इनकम नहीं मिल रहा है, आपको टीम नहीं बढ़ रहा है, इसका पीछे कारण यह है कि आपको बड़ा ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। उस टाइम पे एक बूट कैंप कंपनी की तरफ से चल रहा था, बूट कैंप अटेंड करने के लिए 3,000 रुपया पैसा देना पड़ता था। तो मेरे को 3,000 और मेरा छोटा भाई विजय को 3,000, 6,000 रुपया देना पड़ता था मगर हमारा पॉकेट में 6 रुपया भी नहीं होता था। अच्छा। फिर भी हमने फैसला किया, हाँ तो 6,000 रुपया उधार मांगा और उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। ट्रेनिंग ऐसा अटेंड किया कि 6,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 6,00,000 रुपया है ऐसा समझ के हमने ट्रेनिंग अटेंड किया। तो उसके बाद पता चला बिजनेस का ताकत क्या है, लीडर कैसा बनना है, डेमो कैसा करना है, कैसा टीम को खड़ा करना है, इनकम कैसा आता है। तो ये सब सीख लिया हमने, उसी को डुप्लीकेट किया। और हर ट्रेनिंग में लोगों को यू समझाते हैं, ट्रेनिंग का कास्ट कितने भी हो मगर हम यू दिखाते हैं। ट्रेनिंग आप यू समझो, ट्रेनिंग के लिए 2,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, एक ट्रेनिंग के लिए 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है ऐसा समझ के मोदी केयर करो, ऐसा हमने लोगों को सिखाया। और हमने काफी मॉर्निंग क्लास को चलाते हैं, वहां पे इतना अच्छा कमिटमेंट देते हैं लोग कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक सुबह सुबह आते हैं, फिजिकल मॉर्निंग क्लास को आते थे, आजकल भी डिजिटल और फिजिकल दोनों मॉर्निंग क्लास को चलाते हैं। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, किसी भी हालत में हर एक कंसल्टेंट को अटेंड करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और बूट कैंप चलाते हैं, बूट कैंप में तो मस्ती करते हैं, गेम्स भी चलाते हैं वहां पे, मैनेजमेंट गेम्स भी होते हैं और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल को डेवलपमेंट करते हैं और रोल क्या करते हैं वो प्रैक्टिस कराते हैं, कैसा 1-to-1 करना है, कैसा होम मीटिंग करना है, रोल प्ले करते हैं, कैसा क्लोजिंग करना है, कैसा फॉलोअप करना है, विजन के बारे में क्या बात करेंगे और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी हम रोल प्ले कराते हैं। तो ये होता है बूट कैंप वगैरह हम चलाते हैं, एक दिन का वर्कशॉप ज्यादा करते हैं और उसी के साथ हम लॉयल्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लॉयल्टी और एजुकेशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्या है ना, हमारा ग्रुप में एक लेडी है सारिका मैडम, मंजुला मैडम और शारदा मैडम करके, उन लोगों ने इतना ज्यादा फोकस किया है, उनको पूछिए आपका टारगेट क्या है, इस साल का टारगेट क्या है, वो ये नहीं बताएंगे कितना मिलेनियर्स आएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कितने कार लेंगे, वो बाद में बताएंगे, उसके पहले यू बताएंगे। अभी 2022 दिसंबर में उनका नीचे 10,000 लोग लॉयल्टी करने वाले आएंगे, वही 10,000 लोग 100 PV करते करते जाएंगे वो लोग, ये टारगेट है उनका। और 10,000 लोग डेमो करने वाले आएंगे उनका ग्रुप में दिसंबर 2022 तक, और 5,000 लोग उनका ग्रुप में हेल्थ वर्कशॉप करने वाले तैयार हो जाएंगे। मतलब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वो लोग काम करते हैं, प्रोसेस के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो रिजल्ट को हम फोकस नहीं करते हैं, रिजल्ट अपने आप निकल के आ जाता है मगर हम फोकस यू करते हैं, फोकस हमेशा प्रोसेस के ऊपर करते हैं। तो इसीलिए लीडर्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, लीडर्स का फैक्ट्री बन जाते हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ा ताकत मिलता है। और एथिक्स के ऊपर हम काम करते हैं और सब एक होके बिजनेस को करते हैं, मतलब कोई क्रॉस लाइन जैसा चीज ही नहीं है, तो एक दूसरे को बिल्ड करते हैं और किसी का भी सक्सेस स्टोरी हो उसको अच्छी तरह से बिल्ड करते हैं। तो किसी का भी यूट्यूब में सक्सेस स्टोरी आ गया या व्हाट्सएप में सक्सेस स्टोरी आ गया, उसको खूब हम बिल्ड करते हैं, किसी भी हालत में उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते कि इनका ग्रुप का है उनका ग्रुप का है, ऐसा हम कभी यू नहीं सोचते, सबका सक्सेस स्टोरी खूब बिल्ड करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल किसी का भी कार लॉन्च हो रहा है तो हर एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से एक तरफ हम इकट्ठा हो जाते हैं, वहां जाके सेलिब्रेशन करते हैं, किसी का घर का गृह प्रवेश हो रहा है, किसी का घर का मतलब कार का प्रीमियम कार का लॉन्च हो रहा है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सब एक होके हम वहां चले जाते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और फार्मूला ये है कि आपका नीचे कितने सारे लोग एक्टिव है उससे मायने नहीं रखता है मगर कितने लोग लॉयल्टी करते हैं, कितने लोग 100 PV के ऊपर ध्यान देते हैं, कितने लोग लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वही आपका ग्रुप का स्ट्रेंथ है। तो ग्रुप का स्ट्रेंथ हमेशा इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि
कितने सारे लोग 100 पीवी करते हैं, कितने सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नीचे 200 लोग रहेंगे मगर 50 लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, 50 लोग 100 पीवी करते हैं, तो वही आपका कोर है, वही आपका सैन्य है, वही आपका कमांडोस है। तो उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उसी को डेवलप कर दो और विजन दिखा दो। हम लोगों को विजन दिखाते हैं, ऐसा विजन दिखाते हैं फ्यूचर में क्या होगा, तो ऐसा लीडरशिप को क्रिएट करते हैं ताकि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सो रिटेंशन के ऊपर भी हम ज्यादा काम करते हैं। मॉर्निंग क्लास मतलब कम से कम हर रोज कर्नाटका में मॉर्निंग क्लास के लिए 15,000 से 20,000 लोग सुबह सुबह अटेंड करते हैं। 5 बजे से शुरू हो जाता है हमारा मॉर्निंग क्लास, 4:30 बजे उठते हैं। जो आदमी 8 बजे उठने वाला उदास आदमी भी 4 बजे उठता है। ऐसा हम विजन दिखाते हैं, ऐसा हम ताकत को दिखाते हैं, ओनरशिप मेंटालिटी हम पैदा करते हैं, ऐसा हम दिखाते हैं बिग पिक्चर ऑफ द बिजनेस। और हाइप नहीं है, प्रैक्टिकल है कि ये बिजनेस का कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। आप यू समझो आपने 3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा समझ के मोदी केयर करो। खुद का बिजनेस का मालिक हूँ, आप खुद का बिजनेस का MD हो, ओनर हो, ऐसा समझ के मोदी केयर करो, ऐसा माइंडसेट कराते हैं लोगों को भैया। तो ये मेन है, ऐसा तो बहुत सारा है, इन शॉर्ट मैं इतना बता सकता हूँ भैया। थैंक यू सो मच, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिए। अच्छा राजू जी ये बताइए कि आपके ग्रुप में तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है, कुछ सक्सेस स्टोरी आप शेयर कीजिए प्लीज। ऐसे तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, उसमें कोई 5-7 स्टोरी या 8-10 स्टोरी आप बताइए प्लीज। हाँ भैया, सक्सेस स्टोरी तो बहुत है, उसमें से खास करके जो अच्छा सक्सेस स्टोरी है, हार्ट टचिंग सक्सेस स्टोरी है, उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। एक शिवरंजन गौड़ा करके थे, वो 1.5 साल पहले वो गुजर गए रोड एक्सीडेंट में। जब वो गुजर गए उस टाइम पे उसका इनकम 36,000 था। क्या नाम है उनका? शिवरंजन गौड़ा। ओके, तो 1.5 साल पहले उनका इनकम 36,000 था। गुजरने के बाद उसका टीम पूरा सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए, मॉर्निंग क्लास अटेंड करते रहे, बूट कैंप अटेंड करते रहे, उनका अपलाइन उसको कयाल किया। वो अभी नहीं रहे दुनिया में, फिर भी उनका उनका इनकम 1,06,000 से ज्यादा आ रहा है एक महीने का। उनका नीचे अभी मिलियनेयर बनने वाले हैं, उनका नीचे 2-3 लोग ऑलरेडी कार ले चुके हैं। ये सिस्टम का ताकत है, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं है तो जो आदमी जिंदा है फिर भी उसको लाखों में इनकम नहीं आएगा। अगर सिस्टम ताकत है और लीडर के साथ जुड़े रहते हैं तब इतना आसान हो जाता है, रियल पैसिव इनकम आ जाता है। ये तो शुरुआत है, शिवरंजन गौड़ा का इनकम यहाँ रुकेगा नहीं, 2,00,000-5,00,000 तक जाएगा और 10,00,000 तक भी जा सकता है। ये बहुत ही खास है हमारा चंद्रू का ग्रुप से। चंद्रू तो आप अच्छी तरह से जानते हो, झोपड़ी पट्टी में रहते थे, उनका ग्रुप में हजारों गरीब लोग अमीर बन चुके हैं। चंद्रू का 9,00,000 से ज्यादा महीने का इनकम आता है और बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। अभी 3 महीने के अंदर इतना कुछ जादू करने वाला है, अभी मैं अनाउंस भी नहीं कर सकता। मैं उन्होंने मेरे से वादा किया है कि पूरा दुनिया को पता चलेगा, इतना बड़ा एक लाइफस्टाइल वो पाने वाला है, तो वही वो खुद आके अनाउंस करने वाला है। उसके साथ हमारा नया जनरेशन में एक राघवेंद्र शेट्टी करके एक स्पेशल लीडर है, उन्होंने बहरीन में मैरीन इंजीनियर होकर काम करते थे। 3,00,000 रुपया उसका महीने का इनकम आता था वहां पे, मैरीन इंजीनियर होकर काम करते थे। उन्होंने मेरा BMW कार का सेलिब्रेशन को देखा, 4 साल पहले शिमोगा से वो कार सेलिब्रेशन हो रहा था, फेसबुक लाइव देखा, उसका अपलाइन संतोष शेट्टी ने फेसबुक लाइव किया था। उन्होंने वो लाइव को देख के पूरा रात को नींद नहीं आया, उन्होंने पूछा संतोष शेट्टी जी से, ये ऐसा हो सकता है क्या, असलियत में मोदी केयर में कार मिला है BMW कार? उन्होंने यूं बताया, हाँ मेरा गुरु राजू डीजी सर को ये मिला है, उन्होंने मिलता नहीं है, उन्होंने पाया है। यस, हकीकत में ऐसा हुआ है। तो एक किसान का बेटा BMW कार का मालिक बन चुके हैं, पूरा रात को नींद नहीं आया, उन्होंने संतोष शेट्टी जी से वादा लिया, वापस लौट के आ गए, जॉब को रिजाइन कर दिया, शुरू कर दिया फुल टाइम। फर्स्ट महीने इनकम 500 रुपया, सेकेंड महीने इनकम 550 रुपीज। इतना मुसीबत में फंस गया था पूरा परिवार, लोग इनको पूरा डांटा, तिरस्कार किया और घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने एक रूम को लिया, वहां पे जाके बिजनेस को कड़ा किया, 1 साल घर तक नहीं पहुंचा इन्होंने। उसके बाद बहुत बड़ा साम्राज्य को कड़ा किया, सिस्टम के साथ प्लग इन हुआ, लीडर को फोकस किया, लीडरशिप को फोकस किया। आजकल 3 साल हो चुका है, 10,00,000 से ज्यादा इनकम हो रहा है राघवेंद्र शेट्टी जी का महीने का।
और रेंज रोवर कार बुक हो चुका है उनका, नीचे बीएमडब्ल्यू कार उन्होंने दिलाया 3 साल के अंदर उदय शेट्टी करके, और उनका ग्रुप में 48 कार ऑलरेडी पा चुके हैं उनका ग्रुप में, और 30 लोग ऑलरेडी मिलियनेयर्स बन चुके हैं। तो ये रहा, और अब तो सब जानते हैं संतोष शेट्टी, उनका भी बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। संतोष शेट्टी जो होटल में काम करते थे, बैंक में काम करते थे, शुरुआत का मतलब 1 लाख रुपया कमाई करने में बहुत टाइम लगा उसको, मगर 1 लाख से 19 लाख पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। गणेश देवाड़ीका जी उनको भी ऐसा ही ये सुन लीजिए, सब सुन लीजिए कि 1 लाख रुपया पहुंचने में 10 साल लगा, उसके बाद इतना एक्सपीरियंस मिला, इतना ताकत मिला, सिस्टम को इतना मजबूत किया, 1 लाख से 16 लाख 19 लाख पहुंचने में मात्र 3 साल लगा। यही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पैसिव इनकम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इतना बड़ा जादू किया, पोर्शे कार का मालिक बन चुके हैं, और उनका नीचे पिछले महीने अराउंड 18 मिलियनर्स निकल चुके हैं। ओके, संतोष शेट्टी जी का नीचे, हाँ जी, एक ही महीने का नया मिलियनर्स, जो पुराने थे उसको छोड़ के नया मिलियनर्स इतना निकल चुके हैं। और मंजुना शेट्टी तो सब जानते हैं, इन्होंने तो बहुत बड़ा मंजू बड़ा फेवरेट हीरो है मंजू एंड गणेश, राइट। संतोष जी बहुत बड़ा हीरो है यार, वो तो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, उनका 19 लाख चेक जो है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में खा चुका है, राइट। और एक वीरेश जी सिक्योरिटी का काम करते थे, कूली होके मजदूर होके काम करते थे, होटल वेटर थे, पिछले महीने उनको भी मतलब उन्होंने आडी कार का मालिक बन चुके हैं 75 लाख की, और महीने का 13 लाख से ज्यादा कमाई होता है एक महीने का, सिक्योरिटी होके काम करते थे। तो ऐसे तो बहुत सारा है भैया, कुल मिला के 3000 से ज्यादा लोगों को उदार मुक्त कर दिया है हमारा ग्रुप में, वो लोग इनकम टैक्स को पे करते हैं। ओह वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा राजू जी, मुझे ये बताइए, जो इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के लिए, अगर मैं पूछूं तो कि आपकी पर्सनल माने डेली एक्टिविटीज क्या रहता है एग्जैक्टली, या लोगों का क्या सकते हैं एग्जैक्टली रोज क्या करने के लिए? अच्छा, डेली एक्टिविटीज हम क्या करते हैं भैया, सुबह सुबह हम लोगों ने लीडर्स का मीटिंग करते हैं, कोर लीडर्स का मीटिंग करते हैं जूम में। वहां पे हम क्या करते हैं, पूरा दिन का क्या रहेगा, कहाँ कहाँ मीटिंग होगा, कहाँ कहाँ मतलब जहां अप्लाइंग जाएंगे उनका डिटेल्स डाउनलाइन को पता चलेगा, ताकि टीम को करंट कर सकते हैं। अप्लाइंग यहाँ ऐसा ऐसा जगह पे जाने वाले हैं, ऐसा पता चलता है किस किस का जूम मीटिंग है, किस किस का लाइव प्रोग्राम चल रहा है यूट्यूब का, किस किस का फिजिकल प्रोग्राम चल रहा है, वो पूरा तय कर लेते हैं। उसके बाद कितना डेवो करने वाले हैं, पूरा दिन के लिए क्या टारगेट है, एक्शन टारगेट, उसके ऊपर हम प्लानिंग कर देते हैं। और रात को एक मीटिंग करते हैं, वहां पे फीडबैक सेशन, पूरा दिन में क्या किया, कितना वो मीटिंग किया, कितना डेमो किया, कितना ट्रेनिंग अटेंड किया, तो क्या चैलेंजेस आया, कैसा ऑब्जेक्शन को कैसा हैंडल किया। तो एक्शन करने का वक्त हम क्या करते हैं, नया लोगों को हम बिल्ड करते हैं उस सेशन में। नए लोग जो है जो एक्शन नहीं करते थे, वो लोग बैठ के सुनते रहते हैं, सुनते 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 वो लोग भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जो इनएक्टिव रहे उनको सिर्फ बुलाते हैं, आप आके अटेंड कर लो बस। तो जब एक्शन करते रहते हैं, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, क्या प्रैक्टिकली चैलेंजेस आता है फील्ड में, उसी के ऊपर हम सवाल पूछ लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, रोल प्ले कर देते हैं, या प्रैक्टिकल बोल देते हैं हकीकत में ऐसा रहा, ऐसा उन्होंने नेगेटिव किया, ऐसा पैसा नहीं था बोल रहा था, एक नेगेटिव आदमी आके बिजनेस छोड़ दिया था, वो नफरत कर रहा था, उसको कैसा हैंडल किया, वो सब हम डिस्कशन कर देते हैं। जो आदमी एक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम तारीफ करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा तीसरा आदमी जो उदास था, जो इनएक्टिव था, वो भी एक्टिव हो जाता है, वो भी एक्शन शुरू कर देता है। तो खास करके भैया हम जो भी हम इवेंट चलाते हैं, परिवर्तन हो, शुरुआत हो, या सेमिनार हो, वेबिनार हो, लेजेंडरी टॉक हो, तो इसका पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हम हमेशा मिशन को चलाते हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वी डोंट बिल्ड बिजनेस बेस्ड ऑन द कमीशन बट बेस्ड ऑन द मिशन। हम मिशन को ड्राइव करते हैं, कमीशन को नहीं। ओके, कमीशन मिलेगा, क्या रखे मिशन, क्या रखे, क्या ड्राइव करो। मिशन ये है कि हम 1000 मिलियनर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, बड़ा मिशन रखा है, और इस साल 2000 कार का मालिक हम क्रिएट करना चाहते हैं। 2000 कार का मालिक बनने वाले हैं, ऑलरेडी 700 लोग कार का मालिक बन चुके हैं कर्नाटका में। जब 2000 कार का मालिक बनेंगे, तब एक जगह पे इकट्ठा होंगे, बड़ा रैली चलाएंगे, समीर सर को बुलाएंगे,
ऊपर हेलीकॉप्टर से वो आएंगे, एक हेलीकॉप्टर में, दूसरा हेलीकॉप्टर में कर्नाटक लीडर आएंगे, टॉप लीडर्स, वो ऊपर से 2000 कार का मालिक नीचे रहेंगे, उन्हीं लोगों को फूलों से बरसाएंगे हेलीकॉप्टर से। ये विजन है, ये विजन सबका अंदर घुस गया है। और नंबर काउंट करते हैं लगातार, हर हर एक दिन हम कार को लॉन्च करते रहते हैं, एक दो कार, तीन चार कार, कई लीडर तो एक दिन में चार पांच कार को लॉन्च करते हैं। और प्रीमियम कार कम से कम एक हफ्ता में एक नया लग्जरी कार आ रहा है। अभी अभी लग्जरी कार आपकी टीम में कितना हो चुका है? 15 हो चुका है, 15 प्लस हो चुका है। वेरी नाइस। इसके बाद अभी तेजी से बढ़ रहा है। ओके, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे राजू जी ये बताए कि अभी यहाँ पे एसी का काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा गर्मी हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अभी देखिए, एक लीडर को ना कुछ रोक नहीं सकता है, चाहे एसी हो या ना हो, बिजली हो या ना हो, एक लीडर तो अपना काम कर लेता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टीम वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, कि कैसे बड़ा टीम को बिल्ड कर सकते हैं, उसमें टीम वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होता है? भैया, मतलब हम क्या करते हैं, एक टीम में सक्सेस स्टोरी बहुत ज्यादा आता है, उन्हीं लीडर को हम एडिफाई करके, जहां पे सक्सेस नहीं है, जहां पे थोड़ा स्लो है बिजनेस, वहां पे उसको हम बेच देते हैं। हम क्या करते हैं, जूम सेशन में बेचते हैं, नहीं तो फिजिकल सेशन में हम बेच देते हैं। चलो आप उबली चले जाओ, आप मैसूर चले जाओ, आप आंध्रा चले जाओ, वहां पे क्या करते हैं, उसको एडिफाई करके उसको इनवाइट करते हैं और स्ट्रेटजीज को डिस्कशन करते हैं कि हम टीम वर्क में हम क्या करते हैं, हर एक इवेंट होने के बाद, हर एक इवेंट खत्म होने के बाद, फिजिकल हो या डिजिटल हो, हम फीडबैक सेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा टॉक शो चल रहा है, इस सेशन होने के बाद हमारा टीम वाले ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं फेसबुक में या जूम में, वो लोग क्या करते हैं, उनका टीम वर्क शुरू हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, रूम को ब्रेकआउट करते हैं। जूम सेशन होने के बाद, एक जूम सेशन होता है 1000 लोगों को, उसके बाद ब्रेकआउट रूम में 20 लोग 30 लोग ब्रेकआउट रूम में जाके वहां पे फीडबैक देते हैं। वहां पे मोटिवेशन नहीं होता कि राजू सर बहुत अच्छा बात किया, प्रमोद सर बहुत अच्छा बात किया, वो नहीं बताना है। वहां पे यूं बताना है, क्या लिया मैंने, क्या गलती कर रहा था, क्या सुधार लूंगा इसके बाद, नया पॉसिबिलिटी क्या है, नया संभावना क्या है, अभी तक मैं क्या कमिटमेंट नहीं दे रहा था, अभी तक क्या मैं बहाना बना रहा था, उसी को मैं तोड़ के नया पॉसिबिलिटी क्या है, ये बताते हैं लोग। और आप ही से सीखा था भैया, अराउंड 15 साल पहले सीखने के लिए मिला था, कि आपने किसी का भी अचीवमेंट होता है तो उनका घर में जाके आप रिकॉग्निशन करते थे, स्टार डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, स्टार डायरेक्टर, एमराल्ड डायरेक्टर को, आप ही को कॉपी करते हुए हमने वो ट्रेंड को शुरू किया। किसी ने कार लिया है, किसी ने 1 लाख रुपया पाया है, उनको उनका घर को जाते हैं टीम वर्क में, खाली उनका टीम वाले नहीं, सारे लाइन ऑफ लीडरशिप, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप वहां जाके उसको तारीफ करते हैं। हर एक लेवल का लोग, हर एक नेटवर्कर्स लोग वहां आ जाते हैं। और खास करके भैया, मिलेनियर को अच्छी तरह से हम हाइप करते हैं, मिलेनियर सक्सेस स्टोरी को अच्छी तरह से बिल्ड करते हैं। वी डोंट फोकस मच ऑन टाइटल, टाइटल से ज्यादा हम पैसे के ऊपर काम करते हैं। हम लोगों को यूं दिखाते हैं, पीजीपीवी क्यों करना चाहिए, विड्थ क्यों जाना चाहिए, ज्यादा स्पॉन्सरिंग क्यों करना चाहिए, और 4 लाख 5 लाख वॉल्यूम लेते हुए आप लाखों में कैसा कमाई कर सकते हैं, नीचे नीचे जाके पीजीबीवी को बढ़ाने के लिए हम दिखा देते हैं। तो इसमें टीम वर्क बहुत बड़ा काम करता है, यदि इसके ऊपर भी काम करते हैं, क्रॉसलाइन नहीं करते, क्रॉसलाइन चीज ही नहीं है, हम उसको लव लाइन बोलते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबके साथ हम लग जाते हैं। अच्छा सुनिए, मैं तो पूरी हिंदुस्तान तो भी जानता कि कर्नाटक का ग्रोथ कितना स्पीड में जाता है। अच्छा, आप ये बताए, व्हाई अग्रेसिवनेस एंड स्पीड इज रिक्वायर्ड, स्पीड और अग्रेसिवनेस क्यों चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, या कैसे न्यू माइंड सेटिंग चाहिए, क्या एग्जैक्टली होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, क्या करते हो एग्जैक्टली? राजू जी, बहुत अच्छा सवाल है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आजकल का जमाना T20 का जमाना है, टेस्ट का जमाना नहीं, वनडे मैच का जमाना नहीं, T20 का जमाना है। एक एक सेकंड गिनती करता है, एक एक मिनट गिनती करता है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है, सब ऑनलाइन का जमाना है। तो इस टाइम पे खास करके मोदी केयर भी इतना तेजी से बढ़ रहा है, हर चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समीर सर भी बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं। मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी मैं बात करूंगा, आप भी थे पिछले 3 महीने में, हम 3 बार दिल्ली जाके आए हैं, स्मैक मीटिंग में हमने पार्टिसिपेट किया है।
और समीर सर, राहुल शंकर सर, प्रशांत प्रेम सर और पूरा मैनेजमेंट टीम इतना बड़ा मेहनत करते हुए, बहुत हार्डवर्क करते हुए नया मोदी केयर को सजावट करके हमको दिए है। ये नया मोदी केयर बहुत ही बढ़िया है। नया मोदी केयर में इतना मतलब फ्यूचर हमको देखने के लिए मिल रहा है। विजन इतना स्ट्रांग है, समीर सर इतना कुछ मजबूत करके रखा है मोदी केयर को। और सब जानते हैं अभी समीर मोदी ग्लोबल प्लान अभी लॉन्च होने वाला है वेरी शॉर्टली, तो इसके ऊपर ज्यादा काम चल रहा है। और नीचे लोगों को, मिडल लीडर को इतना बड़ा इनकम रखा है, बहुत सारा प्रोडक्ट आने वाला है, पूरा टपरवेयर रेंज का प्रोडक्ट आने वाला है और हर्बलाइफ में जितना सारा वेट लॉस का प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल है वो प्रोडक्ट आने वाला है और खाने का बहुत सारा प्रोडक्ट आने वाला है उसी के साथ। बहुत आपकी नेटवर्क स्लो है। हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल सर। राजू जी का वीडियो ऑफ करने से होगा। आप राजू जी वीडियो ऑफ करवा दीजिए। राजू जी वीडियो ऑफ करा दीजिए। आप वीडियो ऑफ करा दीजिए। हजारों इंडिया में एक एक मिलियनेयर मतलब बहुत सारा मायने रखता है। ओके, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। थोड़ी देर वीडियो ऑफ करके मैं बोलूंगा। हाँ, वीडियो ऑफ करवा दीजिए। बंद कर दिया हूँ, वीडियो बंद हुआ है। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखिए अभी कोरोना का संकट काल में हमारा, मैं कर दिया हूँ भैया, वीडियो ऑफ है। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी तक है। काल में हम सब जानते हैं कम से कम 15 तो, हेलो सर, नेटवर्क चैलेंज है। नहीं कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे वो इमीडिएटली कनेक्ट कर लेंगे। है, मैं हूँ। हाँ, बोलो, अभी बोलो। ओके, कोरोना का संकट काल में कम से कम 15 करोड़ लोगों का नौकरी गवा दिया है लोगों ने, और 99% लोगों का नौकरी में, बिजनेस में इनकम घट गया है, तो मात्र 1% लोगों का इनकम बढ़ गया है। उनमें से 1% इनकम जिसका बड़ा है उनमें से हम मोदी केयर वाले आते हैं, तो हम इतना तकदीर वाले हैं और हमारा जिम्मेदारी बढ़ गया है। तो अभी लाखों लोगों को जिंदगी जिंदगी में एक डायरेक्शन देने का मौका हमको मिला है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और लाखों लोगों का मार्केट में हालत खराब हो चुका है, करोड़ों लोगों का हालत खराब हो चुका है, हजारों लाखों लोगों का खुदकुशी हो रहा है क्योंकि किसी का नौकरी चला गया, किसी का बिजनेस नीचे चला गया। इसीलिए बहुत सारा कारण है। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में परिस्थिति बहुत ही भयंकर है। तो इस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर सुपर हिट हो चुका है और 70% लोग ऑल ओवर इंडिया में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का तलाश करते हैं। इसीलिए हमारा सक्सेस है, ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट लॉन्च ज्यादा हो रहा है, टीम को बड़ा बड़ा साम्राज्य को खड़ा करना है, हजारों लोगों को लेके आना है, एक एक लीडर का नीचे लाखों लोग नीचे आना चाहिए। तो अग्रेसिव होने से सक्सेस बढ़ेगा, मोमेंटम को बढ़ाना है। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, विदाउट मोमेंटम यू कैनॉट डू एनीथिंग। मोमेंटम बढ़ाने के लिए स्पीड का जरूरत है, तो अग्रेसिव होना है। समीर सर का स्पीड बहुत ज्यादा है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, समीर सर इतना कमिटमेंट देते हैं कि उसका एक फिंगर, उसका उंगली थोड़ा इंजर्ड हो चुका है पाव का, फिर भी समीर सर कम से कम 18 घंटा काम करते हैं, कभी नौकरी को मतलब बिजनेस को आना बंद नहीं किया है। हर रोज वो 18 घंटा मोदी केयर के लिए बिजनेस करते हैं और उनका बेटी आई है यूएसए से, फिर भी टाइम देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो यूं समझते हैं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी है मोदी केयर में, इसलिए वो मोदी केयर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। okay. बेटी का सर्जरी था, फिर भी समीर सर यूं बोलते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं लाखों लोगों की जिंदगी चलाना है मोदी केयर में, ये मेरा परिवार है, ऐसा समझ के मोदी केयर के लिए ज्यादा टाइम देते हैं। वो इतना बड़ा टारगेट लगा है फॉर्चून 500 बनाने के लिए, हर घर मोदी केयर बनाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए, तब हमको तो साथ देना ही होगा भैया, इसीलिए हमको okay. जरूरत है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइए सर, अभी तक आपके अचीवमेंट क्या हुआ है? ये जो 23 साल हो गए आप काम करते हो, आपकी पर्सनल अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो क्या हुआ है, आपका क्या अचीवमेंट मिला है? वो तो मैं जानता हूं, मगर व्यूअर को थोड़ा बताइए प्लीज। बहुत सारा है भैया,
मतलब एक छोटा सा रूम का किराया देने के लिए नहीं होता था, आजकल 2.5 करोड़ से ज्यादा वर्थ बड़ा घर में रहता हूँ, एक घर बना लिया हूँ, मगर लाखों लोगों का दिलों में मैं घर बना लिया हूँ, ये बहुत खास है। IAS ऑफिसर बनना चाहता था, एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया, मगर IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग देता हूँ और कंपनी मालिक MD ओनर जैसा बड़ा बड़ा दिग्गज लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ये मोदी केयर का ताकत है, मेरा ताकत नहीं है। और मैं कम से कम 8 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, 5,000 से ज्यादा सेमिनार वेबिनार दिया हूँ, और मेरा ग्रुप में 700+ ऑलरेडी कार अचीवर्स बन चुके हैं, कार का मालिक बन चुके हैं, और 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वाले 10 लोग हैं महीने का, और 25 लोग 5 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं हर महीने, 240 लोग हर महीने लाखों में कमाई करते हैं, मिलेनियर्स बन चुके हैं। ये तो शुरुआत है भैया, ऐसा तो बहुत बड़ा प्लान रखा है हमने तो, और ये शुरुआत है और आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं। तो लाखों लोगों का जो रेस्पेक्ट मिलता है, लाखों लोगों का जो विश्वास हमने जीत लिया है, प्यार जो पाया है, उसके लिए कोई सिवा नहीं है भैया, ये बड़ा सक्सेस मैं मानता हूँ। और लगातार 7 तारीख को जब इनकम डिक्लेयर होता है, उस टाइम पे हजारों लोगों का, कम से कम सैकड़ों लोगों का मैसेजेस आता है, कॉल आता है, सर राजू सर मेरा इनकम 50,000 बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया, 4 लाख बढ़ गया, एक एक महीने का जब ऐसा मैसेज आता है ना, डेफिनेटली हमारा आंखों में खुशी से आंसू निकल के आता है। थैंक यू। वही तो सबसे बड़ी खुशी है कि लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके राजू जी, और एक सवाल मेरा है कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सा है और क्यों है? वेलनेस है भैया, बहुत ही खास कैटेगरी है मेरा, वेलनेस के ऊपर मतलब इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, मैं मतलब हमेशा नौजवान होकर रहना चाहता हूं मैं, मेरा तो इच्छा है कि 100 साल का उम्र में भी मैं फिट होकर रहूंगा अगर भगवान का कृपा है तो। 100 ईयर बर्थडे, कम से कम मैं 1 घंटा में डांस करना चाहूंगा, इतना फिट होकर रहना चाहता हूँ, इसलिए वेलनेस अच्छी तरह से कहता हूँ, लगातार कहता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करता। वेलनेस बड़ा ताकतदार है, और हमने हमारा ग्रुप में कम से कम 16,000 लोगों को रोग मुक्त कर लिया है, उनको तंदुरुस्ती दिलाया है, 16,000 पीपल आर लिविंग हेल्दी एंड दे डोंट विजिट हॉस्पिटल एट ऑल, इसीलिए पूरा इंडिया को हेल्दी इंडिया बनाने के लिए वेलनेस का बहुत बड़ा जरूरत है और यूनिक है, बहुत बड़ा जरूरत है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं, तो वो सारा चीज के लिए वेलनेस का बहुत बड़ा जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, खुद इस्तेमाल करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये जादू कैटेगरी है, इसलिए हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रेनिंग भी ज्यादा देते हैं भैया। ओके बस, और दो ही सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी फ्यूचर गोल क्या है, क्या आप चाहते हो आने वाले 5-10 साल के बाद, आपकी क्या सोच है? हाँ, खुद के लिए और टीम के लिए और ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो इन शॉर्ट में बता दूंगा, खुद के लिए 2025 तक कम से कम 10 करोड़ रुपया का बड़ा आशियाना पैलेस जैसा बंगलो आएगा, फेरारी कार आएगा 4 करोड़ का, और 2025 तक 1 लाख लोग मिलियनेयर बनेंगे हमारा ग्रुप में, तो ये पक्का होने वाला है। और उस टाइम पे कम से कम 2025 तक कम से कम 10,000 सुपर प्रीमियम कार रहेंगे हमारा ग्रुप में, और भैया उसके बाद हमारा ऑल ओवर इंडिया में 2030 तक एक्स्ट्रा 5% लोग अमीर बन जाएंगे इंडिया में, अभी तक मात्र 5% लोग ही अमीर बन चुके हैं, पिछले 200-300 साल से यही हिस्ट्री है, मगर हम हिस्ट्री चेंज करने वाले हैं, परिवर्तन लेके आएंगे, 2030 तक 10% लोग अमीर होके निकलेंगे, उनमें से 5% लोग एक्स्ट्रा लोग मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आने वाले हैं, और हर घर मोदी केयर करने वाले हैं, 2030 तक कर्नाटका का हर घर हम मोदी केयर पहुंचा देंगे, हर घर मोदी केयर, हर घर कार, वही हो जाएगा। तो ये है हमारा बहुत बड़ा विजन है भैया, भगवान करे आपके हर सपना पूरा हो जाए, और मोदी का भी हर सपना को पूरा कराएगा जरूर, ये विश्वास मेरा भी है। और आखिर सवाल आप सबके लिए, देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आज आपके इंतजार में है कि वो जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दिलाएंगे आप? तो प्लान के बारे में मैं डिटेल नहीं जा पाया, अभी जो नया मोदी केयर आने वाला है, सिर्फ प्लान की बात नहीं है, बहुत कुछ सजावट करने वाले है समीर सर और मैनेजमेंट टीम। तो दोस्तों, प्लान हो या कम्युनिकेशन हो, सर्विस हो, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम हो, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी हो, हर चीज में मोदी केयर इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है और ग्लोबल कंपनी होने वाला है मोदी केयर। तो हमारा स्पॉन्सरिंग को बढ़ाना है,
उसी के साथ रिटेंशन को बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो आते हैं मगर उनको टिके रहने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए उनको विजन दिलाना चाहिए, और सक्सेस को पाने के पहले हमको एजुकेशन देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1% एक्स्ट्रा रिटेंशन हमने पा लिया तो 100 करोड़ टर्नओवर बढ़ेगा। तो हमारा टारगेट है कम से कम 20-30% रिटेंशन को ज्यादा करना है। समीर सर का भी विजन है, हम सारा लीडर्स का भी यही विजन है। हम कमीशन का पीछे नहीं भागेंगे, हम मिशन का पीछे भागेंगे, हम पैसा बनाने का पीछे नहीं जाएंगे, लोगों को सक्सेसफुल बनाने में हम व्यस्त रहेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल नॉट मेक मनी डायरेक्टली आउट हियर, मनी शुड बी द बाय प्रोडक्ट। हम सेवा करते रहेंगे, जो जरूरत है इंडिया में जरूरत को पूरा करने के लिए मौका दे देंगे, जो भी प्रॉब्लम है पूरा इंडिया में वो पूरा इंडिया का प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का माध्यम हम बन सकते हैं। तो इसीलिए ऑलरेडी लाखों लोग करोड़ों लोग ढूंढ रहे हैं मौका के लिए, हम तैयार हो जाएंगे। हम एजुकेशन को बहुत स्ट्रांग करेंगे, एडिफिकेशन करते रहेंगे, एथिक्स को फॉलो करते रहेंगे, और रिटेंशन के ऊपर हम बिजनेस करेंगे, और तहे दिल से बिजनेस को करेंगे, खाली दिमाग से नहीं दिल इस्तेमाल करेंगे, और सबको प्यार करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे। हर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसको लागू कीजिए, उसको एक्शन कीजिए। हर ट्रेनिंग के बाद अब लिख लीजिए क्या आज सीखने के लिए मिला, प्रैक्टिकली क्या एक्शन करने वाले हो, क्या एक्स्ट्रा कमिटमेंट है वो लिख लीजिए, और ग्रुप में भी शेयर कर लीजिए, और कॉल करके बोल दीजिए डाउनलाइन को, ताकि अगला ट्रेनिंग वो मिस कभी मिस नहीं करेगा। एजुकेशन इज एवरीथिंग, कीप लर्निंग लर्निंग लर्निंग, उसके बाद अर्निंग आसानी से आ जाएगा। तो ये है मेरा मैसेज सबके लिए। तो तहे दिल से मोदी केयर को कीजिए, कोई इधर उधर नहीं देखने का है, अभी पूरा विजन फोकस रखना है, फोकस ही सब कुछ है। अब सबका फ्यूचर उज्जवल भविष्य है, सुनहरा भविष्य है, तो इसीलिए आपको लीडर बनना है। आगे आने वाला टाइम में वही लोग साम्राज्य को खड़ा करेंगे जिसका टीम बड़ा है, जिसका ग्रुप में जुनून है, जिसका ग्रुप में कमांडो से प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लॉयल्टी करते हैं, 100 PV करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, वही लोग आगे जाके साम्राज्य को खड़ा करेंगे। तो ये 100 PV का हमेशा क्वालिफाइड होते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेरी नाइस, वेरी राजू जी। अभी सुदर्शन जी, सुदर्शन पात्र जी हमारा जो जीबीडी है वो आपसे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी प्लीज। राजू भैया नमस्ते, नमस्ते। सुदर्शन जी नमस्ते। नमस्ते राजू भैया, मैं तो हमेशा आपको फॉलो करता हूँ, आप तो बहुत तरक्की कर रही है, और कर्नाटक तो नंबर वन हो रही है आप लोगों के वजह से। और आज का जो टॉक शो में लाखों लाखों लोगों का भाग्य में परिवर्तन आया, जैसे कि मुझे जानकारी मिला कि वी बिल्ड रिलेशनशिप, पीपुल बिल्ड बिजनेस। आप लोग हम लोग रिलेशन को बिल्ड करेंगे, लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और आपका जो 100 ईयर में 1 घंटा का जो बर्थडे में डांस करेंगे, हम लोग तो जरूर देखेंगे सर। भगवान आपको इतना जरूर ब्लेसिंग देंगे, आप 100 ईयर में आप डांस करेंगे और दुनिया सारा लोग देखेंगे। और आप लोगों ने जैसे कि 16,000 लोगों को रोगों मुक्त कर दिया, और हिंदुस्तान को रोगों मुक्त करने का जो सोच है वो तो जरूर होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल, नमस्कार एवरीबॉडी। थैंक यू सुदर्शन जी। राजू जी, अभी हमारा और एक जीबीडी बहुत डायनामिक जीबीडी है, पूर्ण चंद्र त्रिपाठी जी, वो आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। पूर्ण जी नमस्ते। डीजी राजू जी नमस्ते। त्रिपाठी भाई, आपका मैसेज तो मुझे सभी टाइम मिल रहा है, सब दिन मिल रहा है। आपका ब्रॉडकास्ट में मेरा नाम है, आई एम सो लकी। और थैंक यू प्रमोद सर, जो आपने इतना अच्छा लीडर को लाके हमको सुनाने के लिए मौका देते हैं, रियली नाइस इनिशिएटिव। और राजू डी जी सर के बारे में मैं क्या बोलूं, हर दिन तो मैसेज सर का मेरा पास डायरेक्ट आता है। और सबसे बड़ा बात है सर, आपको फॉलो करके 2 साल पहले मैंने भी सुबह 5 बजे मेरा मॉर्निंग सेशन शुरू किया, और अच्छा रिजल्ट आता है। रियली सर आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, जो मैं मेरा टीम भी फॉलो कर रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप एक रोल मॉडल है, आप एक रोल मॉडल है। तो थैंक यू राजू डीजी जी, जो आप मोदी केयर के लिए बड़ा एसेट है, और भगवान करे आप जरूर आगे बढ़ेंगे, और आपका जो 100 साल का जो डांस हमको देखना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, लव यू त्रिपाठी जी, थैंक यू राजू जी। तुम्हारा राजू जी आपका एक बहुत बड़ी फैन है, वो भी जीबीडी है, मिस्टर सुधीर प्रधान जी, वो आपके साथ कुछ बात करूंगा। सुधीर जी सर नमस्कार सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, हम तो साथ ही रहते हैं साउथ इंडिया में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाल का है, यह हमारा सौभाग्य है।
और सर मैंने आपको एक्चुअली ब्रह्मपुर में पहला सेमिनार मैंने अटेंड किया था आपका, एंड दैट इज वन ऑफ माय लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। मैंने बिग पिक्चर और एक बिजनेस को कैसे तन मन धन सारे चीज लगा के कैसे करें ये चीज उस दिन मैंने सीखा। और जो आपका जो जो सोच था बिजनेस के लिए आज भी वो सोच है सर। मैंने एक चीज आपसे सीखा हमेशा कि बिजनेस को अगर कामयाबी बनाए मोदी केयर में तो दिल से भी करना है, दिमाग से भी करना है, स्पिरिचुअल भी करना है, और मतलब सारे चीज लगाना, ये चीज मैंने सीखा। दूसरा चीज रिलेशनशिप के बारे में आपसे बेहतर शायद कोई हो ही नहीं सकता है। और एक चीज मैंने सीखा कि आपके हर एक ड्रीम और विजन के साथ एक मिशन रखा है जो मिशन दूसरे का बेनिफिट देता है, चाहे इंडिया की इकोनॉमिक हो, क्योंकि आपके हर एक बात पे मुझे इंडियननेस झलक आता है। और साथ ही साथ एक चीज मैंने ये भी सीखा इस बिजनेस में आपसे खास करके कि आपके अचीवमेंट से पहले आप आपके टीम के लोगों का अचीवमेंट के बारे में हमेशा फोकस किया है। सो थैंक यू वेरी मच राजू सर एंड थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर कि आपने हमेशा इंस्पिरेशन रहे और इतने बेहतर लीडर को मौका दिए हमें सुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा राजू जी अभी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये इनका बड़ा सक्सेस का श्रेय हमारा लीडर को जाता है, हमारा टीमवर्क को जाता है, हमारा गुरुजन ऑलरेडी मेंटर का मैं नाम में बोल दिया हूँ, अपना मंजुनाथ शेट्टी हो, गणेश देवाड़ी का संतोष शेट्टी, वीरेश चंद्रू, नटराज सर, जगदीश सर, श्रीनाथ जी, ऐसे ही बहुत सारा प्रशांत जी, प्रवीण वगैरह, बहुत सारा लीडर्स, विजयलक्ष्मी रेड्डी, सुग्रामीन, इन सभी को जाता है। और खास करके हमारा सुपर मेंटर कोई अपलाइन से कम नहीं है, हमारा प्रमोद भैया। सिर्फ आपको तारीफ करने के लिए ये बात नहीं कर रहे हम, हमारा ग्रुप में हजारों, कम से कम 10,000 से ज्यादा फैंस है समी अपना प्रमोद भैया को। ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोग प्रमोद भैया का फैन है, ये यूनिवर्सल अपलाइन है। हम सब बहुत तकदीर वाले है, ओरिस्सा और कर्नाटका का बहुत अच्छा तालमेल है, पूरा इंडिया में ओरिस्सा और कर्नाटका का बहुत बड़ा योगदान है मोदी केयर को आगे लेके जाने में। हम हमेशा आप सबसे सीखते रहते हैं, मैं काफी बार सेमिनार करने आया हूँ ओरिस्सा धरती पर, आपको भी बहुत सारा लीडर को हमने बुलाया है, यहाँ तक जूम प्लेटफॉर्म पे हो या फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हो, हमेशा एक दूसरे सीखते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन प्रमोद भैया एंड एंटायर लीडरशिप, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अक्षय जी, राजू जी सुनिए, अक्षय जी कुछ बताना चाहते हैं। अक्षय जी, अक्षय नायक जी, हमारा जीबीडी सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रूरकेला में चार बार तीन बार मैं आ चुका हूँ सेमिनार करने जरूर, के लिए जरूर जरूर अक्षय जी के साथ। तीन बार राउटला आए थे, अब जो आए थे आपसे बहुत कुछ हम लोग सीखे थे और सीखे जो भी है आज आपके सीखने से हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज है आपका जो आज का प्रोग्राम फैंटास्टिक था, बहुत बढ़िया था और बहुत कुछ चीज सीखने मिला। और आपसे मॉर्निंग क्लास सीख के हम लोग बहुत कुछ तरक्की किए हैं। मैं भी बहुत दिन ही मॉर्निंग क्लास कर रहा था, अभी बीच में थोड़ा बंद है, फिर अभी शुरू करूंगा मॉर्निंग क्लास डिजिटल में। और आज जो कंपनी नया प्लान लेके आए हैं और आपसे बहुत सारे चीज हम लोग आज सीखे हैं, आज जो लोग बैठे हैं उनका लाइफ में उसको काम में लगाएंगे तो कोई भी हार नहीं मानेंगे, सब लोग विनर बनेंगे मोदी घर में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर जरूरत होगा तो आप लोग को बुलाएंगे जरूर। और आपका मैसेज हर दिन मुझे मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैसेज से लेकर मैं इंस्पायर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कितना आगे जा पाऊँ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत स्मार्ट लग रहे हो अक्षय जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हो राजू जी। राजू जी आप मिताली मुखर्जी जो ना फास्टेड जीबीडी जो है मोदी केयर की जो बहुत बड़ी कंपनी में थे वो आपके साथ कुछ बात करना चाहते, वो भी जीबीडी है, हमारा टीम की जीबीडी है, मेरी फ्रंट लाइन है दीदी मिताली, अच्छी तरह से जानता हूँ मिताली माँ। यस यस यस, अरे राजू जी तुम्हारा जो बात सुन के तो मैं सोचा तुम क्या कर रहे और कैसे कर रहे है, इतना पावर तुमको कहाँ से मिला है? मोदी केयर से मैडम। अरे क्या तुम एक्चुअली तुम क्या वेल प्रोडक्ट लेते हैं एवरीडे, प्लीज बताओ तो एक बार। मैं इतना एनर्जी तो मैं कभी नहीं देखा किसी को, जुनून अंदर चढ़ गया है मैडम, पूरा देश में बहुत कुछ चमत्कार करने के लिए। वेलनेस तो डेफिनेटली मेरे को बढ़ावा देता है, मगर अंदर जो मिशन है ना मैडम, जो बड़ा विजन है ना, वो मेरे को नींद करना नहीं देता मैडम।
हमेशा मेरे को ताकत देता रहता है अंदर से, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए हमारा खून जलता है। इतना पावरफुल स्पीच मैंने तो लाइफ में देखा नहीं, लेकिन रियली आपने इतना लोगों को लाइफ चेंजिंग के लिए जो आपको मौका अभी तक मिला, लेकिन आपका जो सोच है, आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, रियली ये माइंड ब्लोरिंग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैडम, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अभी तक कोई रिकॉर्ड आपका तोड़ नहीं सकते। फास्टेस्ट जीबीडी इन द हिस्ट्री ऑफ मोदी केयर, सैल्यूट टू यू। अच्छा क्या राजू जी, अभी तपन सर कुछ बोलना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मैन एंड डायनामिक लीडर ऑफ इंडिया, तो तपन दास जी प्लीज। थैंक यू सर। सर नमस्कार, प्रोफेसर नमस्कार, नमस्कार राजू जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, और बहुत अच्छा लगा आज आपने टाइम निकाले और आके हमारे साथ जुड़े। और जब से मैं राजू जी आपके साथ मिला हूँ, तब से एक सबसे अच्छी चीज जो आपके अंदर से मुझे देखने के लिए मिला, सबसे पहले कि आप एक दिल से बहुत अच्छे इंसान हो, राइट। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जब प्रमोद आचार्य सर के साथ जब बात होती है, तो अगर मुझे सबसे पहले आपको कोई भी पॉइंट में कॉम्प्लीमेंट में देता हूँ, तो सबसे पहले बोलता हूँ कि राजू जी एक सबसे अच्छा दिल से अच्छे इंसान है। और दो चीज जो इतने जबरदस्त चीजें जो आपके अंदर है, जिसके कारण आप कंसिस्टेंटली इतने बड़े सफलता बिल्ड किए हो, कभी कभी हमको भी मतलब ये बहुत बड़ी मतलब सपना लगता है कि इतने लोग मतलब 10 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं। इसमें दो चीज आपकी खूबी है जो मुझे बहुत पसंद है। एक सबसे पहले होता है लीडरशिप, दूसरा होता है ओनरशिप। आपने पूरे कर्नाटक के टाइम था, मुझे पता है कि एक समय था आपने पूरा का पूरा ओनरशिप ले लिए थे पूरा कर्नाटक का और साउथ का। ये बहुत बड़ी चीज था। और जो आपकी लीडरशिप है, हर कोई चीजों को बारीकी से करना, सबको समझाना, फिर सबके लिए इनिशिएटिव लेना, ये जो इनिशिएटिव आपने लीडरशिप के कारण लिए हो, और ये जरूर मतलब बहुत बड़ी तारीफ के काबिल है। और हमको मतलब मोदी केयर फील्स वेरी प्राउड टू गेट ए ग्रेट लीडर लाइक यू मिस्टर राजू डी जी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टेकिंग आउट योर टाइम एंड कमिंग एंड गिविंग अस ए वंडरफुल सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच राजू जी, थैंक यू। थैंक यू राजू जी। बस मैं आखिर में ही बोलना चाहता हूँ, रियली आई एम एवर ग्रेटफुल टू, बिकॉज शुरू से लेकर अभी तक मेरा तो इससे आदत है, मैं मेरा डाउनलाइन से सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ, मगर यू नीना जी, फिलिप जी एंड चंद्रो, इवन मंजूनाथ, ये बहुत सारी चीज़ आप लोग से सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ मैं आप लोग से सीखा हूँ। सो स्पेशल थैंक्स कि मैं जितना भी आपको तारीफ करूँ वो भी कम पड़ेगा। भगवान करे आपकी ज़िंदगी हर सपना पूरा हो जाए राजू जी, भगवान आपकी ज़िंदगी हर खुशी दें। सो जितना भी आपका ड्रीम है, हर ड्रीम आपका पूरा हो, मेरे तरफ से आप टीम को बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते, काम करते, उनका बिलीव लेवल बैक करता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस बिग बिग हैंड फॉर राजू जी। राजू जी थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, हम हमेशा तैयार हैं, आप लोगों का ऋण चुका नहीं सकते, इतना ऋण है हमारे ऊपर, हम शब्दों में नहीं बोल सकते। कभी भी जरूरत पड़ता है तो फिजिकल हो या डिजिटल हो, हमारा पूरा कमांडो के साथ हम आने के तैयार है, पूरा हमारा टीम वाले आप सभी को प्यार करते हैं। अगले थर्सडे मिलते हैं। आप लोग जानते होंगे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज आने वाले हैं, मार्च 1 तारीख को न्यू प्लान चेंज हो रहा है, बहुत सारे अच्छा अच्छा चीज आने वाले हैं, लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, फिर मिलते हैं वही रात को 8 बजे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्ते, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Rob you all, Rajor.